खबरों के साथ बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और द सुगम को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, वंदे मातरम दोस्तों, टीम इंडिया की कमजोर कड़ी बना ये तेज गेंदबाज। लगातार 7 गेंद में 7 दे दिए, 7 सौखे। जी हाँ, भारत और बांग्लादेश के बीच राजकोट में खेला गया दूसरा T20 मैच भले ही रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने जीत लिया हो, लेकिन इस मैच के दौरान गेंदबाजी और फील्डिंग के दौरान टीम की कई खामियां भी सामने आई हैं। जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी की गैर मौजूदगी में खलील अहमद के पास टीम में जगह पक्की करने का मौका था, लेकिन पहले दो T20 मैचों में वे अपनी गेंदबाजी से भी प्रभावित करने में नाकाम रहे। दिल्ली में खेले गए पहले T20 में जहां उन्होंने लगातार 4 सौखे खाए थे और भारत ने मैच गंवा दिए थे। पिछले मैच में उनकी आखिरी 4 गेंदों पर 4 चौके गए थे। वहीं राजकोट T20 में भी खलील अहमद जब गेंदबाजी मोर्चे पर आए तो लगातार 3 चौकों से उनका स्वागत हुआ। इस तरह से उन्होंने 2 मैचों में लगातार 7 चौके खाए। वहीं बाकी खबरों के लिए आप द सुगम के साथ बने रहिए। आपको टीम इंडिया वो क्रिकेट से जुड़ी अन्य खबरों के साथ अपडेट करवाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।